अभी हम हैं यहाँ नेपाल, नेपाल बोले तो मतलब इस जगह का नाम नेपाल रखा हुआ है। और यहाँ पे हम टेंट सेट करने आ रखे हैं करण का, जो कल तक हमारे साथ रह रहा था, और आज जो है टेंट शिफ्ट करना है इसका। एक किचन वाला एरिया है शायद रहने का, वहाँ पर है इस वाले में। यहाँ पे भी एक टेंट है, यहाँ पे टेंट सेट करना है। तो ये सेट वेट करने के बाद फिर आगे निकलेंगे कीड़ा जड़ी। आ जा भाई करण, आ जा बो। तो अभी वहाँ से वापसी कर रहे हैं अपने टेंट में, और एकदम सपाट है, मतलब मैं ऐसे टिल्ट होके खड़ा हूँ और बर्फ़ पड़ रही है। ऊपर को मौसम एकदम ख़राब है। तो अभी पहुँचते हैं टेंट में। तो जंगल में सबसे मुश्किल काम है आग जलाना, और वो भी तब जब दिन में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई हो, ओले पड़े हों, और तब आपको आग जलानी पड़े, क्योंकि लकड़ियां जो है वो गीली होती हैं और उसके बाद आग जलाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी सारी चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। हरी घास धीरे धीरे उगना शुरू हो चुकी है और काफी सारे फूल खिले हैं, जो कि इस जगह को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। तो अभी हम इस वाले टॉप पे हैं और यहाँ पे शाम बिता रहे हैं, क्योंकि दिन भर लगातार बारिश होती रही और अभी थोड़ी बहुत धूप खिली है। तो यहाँ पर हम बैठेंगे, नज़ारे देखेंगे और आग सेकेंगे। तो दिन भर कुछ ऐसा निकला हमारा आज। तो आज की शाम यहीं पर ख़त्म होने जा रही है। तो एक और दिन बीत गया हमारा इस कीड़ा जड़ी के जंगल में। तो इंतज़ार रहेगा हमें कल के दिन का। आज के दिन की शुरुआत हुई नीले आसमान और धूप के साथ। तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा आलस भरा था, क्योंकि कीड़ा जड़ी हमें मिल नहीं रही है और सीजन भी लगभग शुरू नहीं हुआ है। सुबह के टाइम पे हम नाश्ता करने के बाद थोड़ा बहुत हमने कीड़ा जड़ी देखी थी, लेकिन वही सेम सिचुएशन, कोई भी जड़ी नहीं मिली क्योंकि सीजन अभी तक आया नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे अगर सीजन नहीं आया है तो इससे अच्छा ये है कि हम नीचे टॉप पर जाके बैठें और इन नज़ारों को देखें और यहाँ के मज़े लें। तो आप कह सकते हैं कि जैसे गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा आलस भरा दिन होता है, जिस दिन बहुत ज़्यादा धूप लगती है, तो कुछ ऐसा दिन है ये, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम है इसलिए धूप भी हमें बहुत सुनहरी लग रही है। इसलिए हम मैक्सिमम टाइम जो है बाहर ही रहे और हमने धूप सेका काफ़ी ज़्यादा और हम नज़ारों को देख रहे थे और हम बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब सीज़न स्टार्ट हो और कब हम जो हैं फील्ड में निकलें और कीड़ा जड़ी देखें। काफ़ी टाइम तक पानी आया नहीं था हमारे वहाँ, क्योंकि मौसम बंद था और बारिश भी हो रही थी, तो जो बर्फ़ को पिघलने में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो आज जो है बहुत तेज़ पानी आ रहा है यहाँ से पीने वीने के लिए।
तो ये डायरेक्टली जो है बर्फ़ पिघलने की वजह से आता है, तो यही यूज़ करना पड़ता है खाने पीने के लिए। आज दिन भर जो है मौसम साफ था, धूप ऊप काफ़ी अच्छी खिली थी, लेकिन अभी जो है शाम के 5:30 बजे हैं और मौसम बिगड़ रहा है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन आधा जो आसमान है वो खुला हुआ है, लेकिन फिर भी बूंदाबांदी हो रही है। तो देखते हैं मतलब कैसा रहता है मौसम। अभी तक सीज़न जो है पूरी तरह से आया नहीं है। यहाँ पे जब हम आए थे पहले दिन तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, तो शायद ये इसको पिघलने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऊपर की लड़ियाँ जो है वहाँ की वो पिघलना शुरू हो चुकी हैं, तो उस पर देखेंगे कीड़ा जड़ी। और बाकी मौसम का अपडेट हम देते रहेंगे। अभी एक और नया अपडेट ये है कि यहाँ पे जो ये घास है, यहाँ पे कई तरह के फूल खिल रहे हैं, क्योंकि हरियाली आएगी तब जो है कीड़ा जड़ी का जो मेन सीज़न रहेगा, वरना पूरा ही सूखा है। तो जहाँ पे हरियाली आती है वहाँ पे कीड़ा जड़ी मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये पूरा एरिया जो है वो हरियाली में तब्दील हो जाएगा आने वाले टाइम पे। तो वो भी मैं धीरे धीरे आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अभी थोड़ा बहुत कीड़ा जड़ी ढूंढ रहे थे, अभी वैसे तो शाम हो चुकी है, लेकिन 4 या 5 बजे तक ढूंढा जाता है यहाँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। लेकिन ये टेंट के बाहर ही है जगह, तो मैं यहीं पे ढूंढ रहा था। पूरे ग्रुप में बस एक ही बंदे को मिला है कीड़ा जड़ी, उसकी भी वो नहीं हुई है, करण को मिली है कीड़ा जड़ी आज। करण की भी हो गई बोनी। करण की हो गई भाई बोनी। जय हो भगवान। क्योंकि टेम्परेचर माइनस में है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो वो जो मोबाइल की बैटरी है वो डेड होने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ, और इसी वजह से जो है बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो रहा है, और हमारे पास जो पावर सप्लाई है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे लाइट तो है नहीं, तो हमें पावर बैंक या फिर जो सोलर एनर्जी वाले जो प्लेट होते हैं उनसे काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन वो भी देखते हैं कब तक चलता है। तो अभी ठंड बहुत है, तो आने वाले दिनों में शायद थोड़ी बहुत गर्मी होगी, लेकिन शाम को तो ऐसी ठंड रहेगी यहाँ पे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, जून है, तो दिन में थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा गर्मी का। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा जो है बर्फ़ यहाँ से पिघली है, और यहाँ एकदम नदी सी बह गई थी यहाँ पर पूरी, तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पिघली है आज। तो आई होप कि आने वाले एक हफ्ते में भी काफ़ी ज़्यादा पिघल जाए, तो तब जो है सीज़न अपना शुरू हो जाएगा, तभी लोग जो है 9-10 के बाद ही आ रहे हैं जून में, क्योंकि वहाँ पे जो है परफेक्ट जो है अपना ये सीज़न होगा कीड़ा जड़ी मिलने का। तो बाकी ये है, और ये थोड़ा बहुत चार्जिंग का प्रॉब्लम है इधर, तो देखते हैं, इतना मैनेज कर लिया है, एक हफ्ता मैनेज हो चुका है, तो आने वाले 30, 35 या 40 दिन भी मैनेज हो जाएंगे। तो शाम को चाय पीने के बाद थोड़ा बहुत हमने कीड़ा जड़ी देखा, वो भी टेंट के सामने ही, लेकिन कोई फायदा नहीं, यहाँ पर कीड़ा जड़ी नहीं मिली। मिस्टर गोपू आते हुए नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। और आज जो है अपने को 7 दिन यानी कि एक हफ्ता पूरा हो चुका है यहाँ। रात भर बारिश हुई और मॉर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, तो आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा बादल लगे हुए थे और मौसम काफ़ी ज़्यादा गहराया हुआ था। और कुछ टाइम के बाद जो है बारिश शुरू हो गई, और धीरे धीरे बारिश जो है बर्फ़ में बदलती गई।
क्योंकि बारिश हो रही थी तो टेंट में रहने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और अगर हम टेंट में हैं तो हमें कोई ना कोई टाइम पास चाहिए, तो इसलिए हम जो है ये गेम खेल रहे हैं। आज ये लगा लीजिए कि 11-12 बजे तक कोई काम नहीं हुआ, नाश्ता किया हमने, उसके बाद बर्फबारी हो रही थी, तो कुछ देर हम टेंट में ही रहे। तो अभी जाके 1 घंटे पहले जो है मौसम साफ़ हुआ है। साफ़ क्या हुआ है, मतलब बादल लगे हैं लेकिन बारिश और बर्फबारी रुक चुकी है। तो अभी सिचुएशन ये है कि बर्फबारी हुई तो ऊपर की ओर जो पहाड़ों में है हल्की हल्की सी बर्फ अभी और बस चुकी है, तो अभी और ज़्यादा टाइम लगेगा सीज़न आने में, बर्फ़ पिघलने में। तो मैंने देखा है कि मैंने ये गौर किया कि अभी कुछ लोग जो हैं वो घर की तरफ वापस जा रहे हैं, 3-4 दिनों के लिए घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि 10 के बाद ही शायद सीज़न होगा यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे टाइम वेस्ट होने से अच्छा ये है कि वो घर जा रहे हैं। लेकिन अभी इंतज़ार है, क्या पता मतलब कुछ जड़ मिल सकते हैं। तो अभी जब तक मौसम सही है कीड़ा जड़ी ढूंढेंगे हम, और उसके बाद देखते हैं अगर मौसम सही रहता है तो शाम तक ये काम चलता रहेगा कीड़ा जड़ी ढूंढने का, लेकिन अगर मौसम बिगड़ता है तो फिर टेंट में ही आना पड़ेगा, आग वाग सेकेंगे, जो भी होगा टाइम पास वो करेंगे। तो ये है सिचुएशन, और काफ़ी लोग घर जा रहे हैं और राशन वगैरह लेकर आएंगे वो, और बाकी लोग भी जो है वो 9-10 तारीख के बाद ही आ रहे हैं। तो इस साल जो है सीज़न काफ़ी लेट हो गया, तो काफ़ी लेट तक ही चलेगा ये, तो जून जुलाई मोस्टली जो है जुलाई में लोग वापसी करेंगे घर की, अगर सही क्वांटिटी में कीड़ा जड़ी मिलता है तब। और दूसरी बात ये है कि मैंने यहाँ गौर किया है नीचे गांव के मुकाबले यहाँ जो है सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। धीरे धीरे मुझे फील हो रहा था कि शायद मुझे ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, लेकिन हर किसी को हो रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि एल्टीट्यूड है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, हाई एल्टीट्यूड में होता है ऐसा थोड़ा बहुत। तो अभी 1 हफ्ता हुआ है तो एक्लिमेटाइज होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब जो है 8-10 दिन के बाद शायद यहाँ की आदत पड़ जाएगी। तो ये है सिचुएशन। आज जो सामने नागनी धुरा के पास जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी। इस जो एरिया में है यहाँ पे टेंट लगा के बैठे हुए कुछ लोग कीड़ा जड़ी के लिए, तो अभी 2-3 घंटे पहले यहाँ पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बर्फ़ था, तो थोड़ी मुश्किल हुई होगी इनको, लेकिन अभी जो है बर्फ़ पिघल चुकी है, वहाँ थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अब शाम तक जो है कीड़ा जड़ी ढूंढेंगे मौसम सही रहता है तो, और उसके बाद चाय खाना पीना, और उसके बाद वही डेली का रूटीन। अभी मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, अभी थोड़ा बहुत देखते हैं कीड़ा जड़ी। This is the most important thing. पानी भरने के काम आता है। ये जो पानी है वो डायरेक्टली इस बर्फ के पिघलने की वजह से आ रहा है, यहाँ से होते हुए डायरेक्टली इधर आ रहा है, और ये मॉर्निंग में जो है पूरा फ्रीज हो जाता है, और शायद इस शाम तक जो है वो पूरा सूख जाएगा, क्योंकि अभी बारिश की वजह से थोड़ा सा पिघला है और बीच में थोड़ी सी धूप भी लगी थी, तो उस वजह से ये पानी आ रहा है, और शाम तक ये पूरा सूख जाएगा, और मॉर्निंग में इस पे इसी पानी जहाँ से जा रहा है यही पूरा जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। तो इसी पे रास्ते में भी जा रहा है तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है रास्ते में चलना। तो शाम को हमने थोड़ा बहुत टेंट के आसपास ही कीड़ा जड़ी देखा, लेकिन वही सेम सिचुएशन, अभी तक कोई भी सीज़न शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं क्योंकि हमें होप है कि क्या पता मिल जाए थोड़ा बहुत। तो चाय वाय बना के हमने चाय पी, और चाय पीने के बाद हम गए लकड़ी लेने। ये
लकड़ी की ओर जाते हुए लौंडे। चलो भाई फिर चलो साथ में चलें। आराम से ब्रो, आराम से चल यार, क्या कर रहा है तू, पीछे लग जाएगा भाई तेरे। ये पहाड़ी स्टाइल है, पहाड़ी स्टाइल में मुन्ना। एक एक करके बाबा। ओके आराम से बाबा। ये पुराना ताम पत्र है जिसमें पुराने लोग लिखा करते थे। बस खत्म। तो भाई जंगल में है तीन चीज सबसे मेन, लकड़ी, पानी पानी और खाना। तो खाने का इंतजाम तब होगा जब लकड़ी होगी हमारे पास, और पानी आ चुका है आज तो वो भर लिया है। बाकी यहाँ से लकड़ी लेके जा रहे हैं मुन्ना भाई अपने, काफ़ी लकड़ी कर ली इन्होंने इकट्ठा। तो यहाँ पे एक है, दूसरा ऊपर है, तो दोनों लेके चलेंगे। बाकी बहुत सारी बातें हुई हम दोनों के बीच में, बहुत ही सारी, बताएगा किसी दिन मुन्ना। चलो जवान चलो, लकड़ी गिर गई यार वो। चलो मैं लेके आ रहा हूँ। व्हाट्सएप वीडियो से बने यार। वेदर अपडेट कुछ ऐसा है कि अभी तारे लगे हुए हैं, लेकिन इस तरफ जो है हल्का सा मौसम ख़राब है। तो शायद ये वहाँ मुंशियारी की तरफ मौसम साफ है, नो टेंशन, लेकिन बादल लग रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन साफ रहेगा शाम को रात को। इधर हैं तारे। तो आज के दिन की शुरुआत हुई हल्के फुल्के बादलों से, और मॉर्निंग में थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन अभी मौसम साफ हो रहा है और मॉर्निंग के अभी बजे हैं 9। तो आज खाना वाना तो बन चुका है, लेकिन नाश्ता जो है हम सीधे दिन में करेंगे। तब तक जो है हम थोड़ी बहुत कीड़ा जड़ी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मौसम अभी सही है, शाम का कुछ पता नहीं है मौसम सही हो या ना हो। और हमें लकड़ी लेने भी जाना है, जैसे कि हम कल गए थे, और आज भी जाना है, तो वो भी होगा, लेकिन उससे पहले कीड़ा जड़ी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ के लिए निकल रहे हैं अभी, यहीं टेंट के पीछे ही है वो जगह, तो वहीं पे जा रहे हैं। और बाकी शाम को लकड़ी वाला सीन भी करेंगे, तो पहले यहाँ निकल। हो गया भाई, बारिश ही बारिश, ओले पड़ने लगे, ओले ही ओले पड़ने लगे। कहीं पे जाके शरण लेनी पड़ेगी भाई, शरण तो लेनी पड़ेगी, शरण नहीं आ जाए फिर लिया जाए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है भाई। उरी बाबा, चलो फिर चलो, लेट्स गो, छुपने की जगह ढूंढे, लुकने की जगह ढूंढे पहाड़ी में। लुकना के साथ ढूंढो यार अब। इस तरफ जो है
रोशनी दिखाई दे रही है। रोशनी की कोई उम्मीद है भाई? गान भी तो लाखों पाए लक्ष्मी। रुक गई भाई बारिश। बताओ मतलब कैसा रहा पहला साल? पहला साल कैसा जा रहा है? पहले साल का पहला हफ्ता, पहले साल का पहला हफ्ता बहुत ही मुश्किल। मिला कुछ? कुछ नहीं मिला यार, पहले हफ्ते में तो बोनी तो हो गई, तैयारी हो रही है। तो ये जो अभी हालत है, ये पन्नी फटी पड़ी है और ये आटे की थैली, यहाँ पे चाय पत्ती गिरी है। तो ये अभी हम थोड़ा सा बाहर नीचे टॉप पे गए थे, जहाँ पे बैठे हुए थे हम, वहाँ पे जो है कुछ देर के लिए हम बैठे थे, तो सामान थोड़ा सा यहीं पे रखा हुआ था हमने ढक के कंबल उम्बल से, लेकिन फिर भी कौवे जो हैं वो ने ऐसी हालत कर दी है। चाय पत्ती गिरी है, ये है वहाँ पे एकदम बीट ही बीट है पूरा। कंबल भी पता नहीं वहाँ नीचे गिरा हुआ था, वो मैंने रखा, आई डोंट नो वो हवा की वजह से है या फिर कौवों की वजह से। दिन में थोड़ा बहुत आतंक रहेगा क्योंकि दिन में कोई होता नहीं है टेंट में, तो ये हर टेंट में जाके खाना वाना ढूंढते हैं, तो ये कंबल से ढकना पड़ेगा और कल के लिए सीख है ये। आज भी कंबल से ढका हुआ था लेकिन पता नहीं कौवों ने कैसे उड़ा दिया। तो अभी समेटते हैं। डे थ्री से लगातार जंगलों में आते हुए हम, डे थ्री आज है, डे थ्री, उससे पहले भी आए थे लेकिन अभी लगातार तीन दिन से। और ये है हमारे कलाकार। अचानक मानी सीख गए, अचानक सोचो भाई सोचो, हाँ कनेरू पे आप उस लकड़ी का नाम तेरा मॉर्निंग से जो है अभी लकड़ी लेकर आए हैं हम, और डे थ्री मतलब लगातार तीन दिन लगातार जो है हम नीचे से लकड़ी लेकर आए हैं। मोस्टली जो है वो टूटी हुई लकड़ियां होती हैं, जो पहले से टूटी हुई हैं, सूखी लकड़ियां, क्योंकि यहाँ पे मौसम का कुछ कह नहीं सकते आप। यहाँ धूप लगी है और इस तरफ जो है बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, शायद अभी पड़ जाए, लेकिन इस तरफ धूप है तो ये मौसम का कुछ सीन पता नहीं रहता, इसलिए स्टॉक जो है पहले से रखना पड़ता है, लकड़ी पानी बाकी चीज़ों का। पानी भी आ चुका है, दिन के बाद ही पिघलता है, तभी जो पानी निकलता है यहाँ से तो वही यूज़ करते हैं हम, अच्छा पानी है सीधे बर्फ़ का, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि अभी सीज़न आया नहीं है, तो मोस्टली जो काम है हमारा वो यही है, स्टॉक जो है इकट्ठा करना, लकड़ियाँ पानी, क्योंकि जब सीज़न आएगा तब टाइम नहीं मिलेगा, मॉर्निंग में उठ के एकदम से हमें भागना पड़ेगा कीड़ा जड़ी के लिए, तो जब तक सीज़न नहीं आता है, बाकी लोग नहीं आते हैं, तब तक जो है ये काम निपटा लेते हैं हम। डे थ्री लगातार जो है लकड़ियाँ लेकर आए हैं, बाकी देखते हैं एक दो दिन और जाएंगे हम, उसके बाद 9 या 10 के बाद जो है सीज़न
आने का जो है वो होप की है हमने कि सीज़न आ जाए 9-10 के बाद 11-12 तक, तब जो है तब देखते हैं तब का रूटीन क्या रहता है। तो फ़िलहाल का रूटीन ये है, अभी अगर मौसम सही रहता है तो कीड़ा जड़ी ढूंढेंगे, वरना टेंट में बैठेंगे और शाम को खाना वाना बनने की तैयारी होगी। सो दैट्स इट। अभी जो है 2-3 बजे के बाद से लगातार बारिश हो रही थी और अभी जाके रुकी है बारिश, और फिलहाल मौसम बन रहा है। इस तरफ जो है काफ़ी बर्फ़ पिघल चुकी है, ये वाली लड़ी पूरा, और इधर नीचे काफ़ी बर्फ़ पिघल चुकी है। तो 7:30 बजे अभी, और खाना वाना होके अब जो है सोने का टाइम हो गया है। यहाँ एक रूल ये है कि जैसे ही सनसेट होता है खाना वाना खा के सो जाओ, और मॉर्निंग में सनराइज़ के टाइम पे जड़ी ढूंढने के लिए निकलो। सो दैट्स इट, मिलते हैं कल, बाकी गुड नाइट, सी यू।